तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वोटर कार्ड लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा, जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आएंगे तो पहला आएगा सर्च इलेक्ट्रल रोल, उसके बाद डाउनलोड इलेक्ट्रल पीडीएफ, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये हम तीनों के बारे में भी बताएंगे। तो पहला नंबर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद डाउनलोड पे बताएंगे, फिर उसके बाद सर्च के ऊपर बताएंगे। तो तीनों के तीनों अभी बता रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना है। तो ये जो था उसके बाद इसमें इसको जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करिएगा सर्च पे, तो ये पेज ओपन हो जाएगी। तो इसको ओपन होने देते, फिर उसके बाद इसका बताते, फिर उसके बाद डाउनलोड का और उसके बाद एप्लीकेशन ट्रैक का। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे पहचान पत्र संख्या द्वारा खोज, सेकेंड नंबर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो हम चलिए यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का बताते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे प्रखंड ब्लॉक का नाम है, तो आपको यहाँ पे प्रखंड और ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर में जो है वही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पंचायत का नाम है, तो यहाँ पे आना है आपको पंचायत का नाम, एक कोई भी पंचायत ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक पंचायत का नाम ले लिए। उसके बाद यहाँ पे नाम, पिता का नाम, उसके बाद लिंग और डेट ऑफ बर्थ देकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर उससे नहीं हो रहा तो उसके बाद पहचान पत्र संख्या के द्वारा खोज करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे, तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रखंड का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट आती है यहाँ पे पहचान पत्र संख्या का नाम, यहाँ पे पहचान पत्र संख्या डालना है आपको। जो पहचान पत्र मिलती है तो उसमें नीचे पे रहता है, तो हम वो भी दिखा दे रहे हैं, इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम पहचान पत्र संख्या डाल देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आता है या नहीं आता है। GWP अधिकतर में यही रहता है 3530862। तो चलिए ये डाल दिए, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाती है। तो यहाँ पे अभी ये नहीं दिख रही है, तो अभी ये छोड़ देते हैं। चलिए हम दूसरे पे होम में आ जाते हैं। होम में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करके बताते हैं। पहले डाउनलोड इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ज़िला का नाम फिर से वही सेम है, तो यहाँ पे एक ज़िला का नाम कोई सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम। तो इतना देने के बाद फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ पे वार्ड संख्या आपको सेलेक्ट करना है, वार्ड संख्या चलिए हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, उसके बाद डाउनलोड PDF पे क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड PDF पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड बोलेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, या फिर आपका डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है तो वो भी अच्छा है। डाउनलोड होने के बाद PDF ओपन हो जाएगा, अगर नहीं ओपन होता है तो आप ऊपर से भी इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। 109 KB का है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हरिपुर आ रहा है, उसका यहाँ पे आहतरा की तिथि, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, उतना समझ नहीं आ रहा है अभी। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगी सूची, यहाँ पे 334 लोगों का है 334। और उसके बाद यहाँ से सबका नाम यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से सबका नाम आने लगा है। तो ऊपर में आप यहाँ पे सर्च बार में आइएगा,
यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जिसका भी अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आपका वो वोटर कार्ड नंबर या फिर आप उनका नाम कोई भी सर्च कर सकते हैं, GWP 35। चलिए हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं इस लिस्ट में है या फिर दूसरा लिस्ट में है, 3530 उसके बाद 862। तो ये लिस्ट में इनका नाम नहीं है, तो क्या करना है फिर उसके बाद अपने, जैसे कोई 6 वार्ड में है तो एक बार 5 वार्ड का, 7 वार्ड का, मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी वार्ड में दे दिया जाता है, तो आपको हो सके तो जितना हो सके 2-3 वार्ड में चेक कर लेना है, उसके बाद वहाँ पे नाम मिल जाएगी। नाम मिलने के बाद वहाँ पे आप देख लेंगे उसका कहाँ पे वोट होगी, उनका मतदान कहाँ पे होगी, तो वो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।